हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के थलो, मेरे बब्बर शेरो, आज इतने दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे चैनल के कारण मेरे चैनल में कोई वीडियो अपलोडिंग नहीं हो पा रही थी, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। क्योंकि वीडियो जब भी अपलोड करता था, यूट्यूब मेरे चैनल की वीडियो अपलोडिंग से मना कर देता था, तो वो वीडियो में बस छोटी छोटी क्लिप डाल रहा था, क्योंकि बस कोई चीज़ फिल्म कोई ऑडियो को वीडियो को परमिशन मिलती थी तो मैं वीडियो सीधा आपके पास आती थी, आप वीडियो को देखते थे और लाइक करते थे। मेरे आपने मेरे चैनल के लिए बहुत सपोर्ट दिया है, उसके लिए आप सबको थैंक यू कहता हूँ। आप सबकी दुआ काम करेगी तो मेरे चैनल बंद होने से बच जाएगा। तो आज मैं आपको एक प्रॉब्लम के इशू में बात कर रहे थे। तो पहले जो आदमी जो मेरे नए चैनल से जुड़े हैं, नए नए आप मुझसे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल की थोड़ा जो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और कंपनी को मेरे चैनल को बंद करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाल बटन है उसको प्रेस करें, मगर ये फ्री है, इससे कोई चार्जेबल नहीं है, कोई पैसा नहीं कटेगा आपका। इसको आप प्रेस करें और मेरी वीडियो आप जो भी आएगी आपके पास आएगी, क्योंकि मैं हर चीज़ के बेसिक बताऊंगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए भी बेसिक में बताऊंगा। तो आज एक वीडियो मेरी है, मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको बहुत हेल्पफुल है, थोड़ी केयरिंग है। तो प्लीज़ ये गैस जो आ रही है मार्केट में न्यूज जो आपको पता है, क्योंकि मैफ्रोन तो मार्केट से बैन हो गई है, तो मैफ्रोन की जगह रेफ्रोन यूज़ हो रही है। रेफ्रोन जो गैस है कॉपी गैस है, इससे मशीनों का हेड बढ़ता है, मगर जो लोकल्स दुकानें हैं ये सब लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये मैफ्रोन की जगह रेफ्रोन पेल रहे हैं और आदमियों से मोटी मोटी पेमेंट ले रहे हैं। रेफ्रोन सस्ती इतनी आती है, मगर मार्केट इनसे बजट ले रही है। जो भी गैस वाले हैं इनसे मुंह मांगा पेमेंट लेते हैं, क्योंकि तो गैस आती आती नहीं है, तो अपने स्टोरेज करी हुई गैसें लेके आते हैं, अपने स्टोर से निकाल के वो इंजीनियर को जल्दी ज़बरदस्ती ऊंचे दाम से बेचते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में मैफ्रोन और रेफ्रोन, रेफ्रोन मैफ्रोन तो बंद हो गई है, रेफ्रोन भी बंद हो जाएगी, जो चाइनीज़ गैस हैं वो भी बंद हो जाएंगी। क्योंकि अब जो मार्केट में जो 2018 की जो मशीनें आ रही हैं ये 410 की आ रही हैं, 410 मैं बता रहा हूँ, 410 जो हमारी जो गैस है ये सिंथेटिक गैस है, जिसके अंदर ये ऑयल चलता है, ये सिंथेटिक ऑयल है, पॉलिस्टर ऑयल होता है, ये बहुत रिस्की ऑयल होता है। तो आपने अगर अदरवाइज किसी घर में 22 नंबर मैं 32 मैफ्रोन के एसी का गैस का पहले एसी लगा हो, जैसे मेरे आप देख रहे हैं पीछे ये 22 नंबर का है, अदरवाइज मैं इसमें 410 का बिना पाइप चेंज करे हुए इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, तो मशीन में चॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो 22 नंबर के अंदर जो गैस चलती है जिसमें ऑयल चलता है वो मिनरल ऑयल होता है। मिनरल ऑयल के साथ आपने फ्लैशिंग करके, मगर फ्लैशिंग भी कर लेंगे मगर तब भी मिनरल इसमें मॉइस्चर रह जाएगा, जो हमारा 410 की जो गैस के अंदर जो ऑयल है सिंथेटिक ऑयल है, ये कहते हैं ये इतना रिस्की है। अगर इसमें आप फ्लैशिंग की जगह पाइप बिना चेंज करके इसके अंदर अपना गैस डाल देंगे, आपने बेशक इसका वैक्यूम भी कर लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ गैस जो हमारी 410 इतनी रिस्की है। तो प्लीज़, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि मॉइस्चर बनेगा पाइपों में, रिटर्न आएगी मगर कूलिंग बैक प्रेशर नहीं आएगा, बैक प्रेशर तो बढ़ भी जाएगा मगर ग्रिल टेम्परेचर नहीं आएगा, जिससे आपका कंप्रेशर ख़राब हो जाएगा, नया एसी आपका ख़राब हो जाएगा, और उस आपको तो पाइप पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ जाएगा, कंप्रेशर तक चेंज करना पड़ जाएगा। जो 410 में जो ऑयल होता है, ये 410 में जो ऑयल होता है ये पॉलिस्टर ऑयल होता है। पॉलिस्टर ऑयल एक ऐसा केमिकल है, पॉलिस्टर सनराइट जो आते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत रिस्की है, ये फ्लेमेबल गैस है। तो अगर आप इसके अंदर होते हुए इसके अंदर टांका या माचिस, या आप अगर इसको गैस चार्जिंग करते हुए सिगरेट तक पी रहे हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ करना बंद कर दें, क्योंकि
क्योंकि ये ज्वलनशील है, ये आग पकड़ लेगी, ये एलपीजी है, एलपी जैसे ये काम करती है। ये मैंने हमेशा टेस्ट करी है, क्योंकि हमारे जो कह रहे वोल्टास के, जो मैं अपने वोल्टास अटैचिस के ट्रेनर से रो डेली मिलता हूँ, वो ट्रेनर हमेशा वो कहते हैं कि प्लीज़ जो मशीनरी आ रही है अब 410 को आपने काफ़ी सूझबूझ के पूरी ट्रेनिंग के साथ काम करना है। तो 410 पॉलिस्टर ऑयल चलता है, सनसेट ऑयल होता है, ये ब्लास्ट भी कर सकता है। तो प्लीज़ जहाँ 22 नंबर का मैफ्रोन गैस का एसी लगा हुआ है, आप उसमें 410 या 32 नंबर के गैस का जो एसी है वो कभी इंस्टॉल नहीं करेंगे। इंस्टॉल करना है आपको, कस्टमर कह रहा है, मगर आपने मशीन के अंदर अपनी दिल की कह रहा हूँ, दिल से आपने आपके खुद कहना है, आप करके चले जाएंगे तो अदरवाइज चलता हुआ एसी ब्लास्ट हो गया। तो भाइयों ये बद्दुआ बहुत मैं लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जाता, कोई भी कोई हादसा होता, कोई चला जाता, उसकी बद्दुआ बहुत लगती हैं। तो प्लीज़ आप उस एसी में, आप जगह में एसी लगाने के लिए साफ इनकार कर दें। अगर पीछे से प्रेशर आता है आप इनकार कर दें, आप बेशक आप चले जाएं वहाँ से, क्योंकि 1500-1200 में कुछ आदमी अमीर नहीं बन जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ से आप चले जाएं, अदरवाइज़ कस्टमर से आप लिखवा लें कि अगर वो चाहता है कि इसमें लगेगा तो उससे लिखवा लें। तो अगर लिखवा लें कस्टमर तो आप समझा भी सकते हैं तो कि प्लीज़ ये 410 में हम 22 नंबर की गैस चल रही है, इससे मिनरल ऑयल रही है, ऑयल होता है, अब इसमें जो गैस आएगी ये पॉलिस्टर ऑयल की आएगी, पॉलिस्टर ऑयल सनसेट ऑयल है, जो जो हमारे जो एसी में आग पकड़ता है, तो आग जो जल्दी पकड़ लेता है, इससे मशीन में ब्लास्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, जो आजकल ज़्यादा हो रहे हैं ब्लास्ट। और बात करता हूँ 32 AC, 32 नंबर, जो डैकिन में आ रही है, डैकिन में नहीं, हर मॉडल में आने वा आ गई है, स्टार्ट हो गई है। तो ये आपको बता रहा हूँ, ये जो जो 32 नंबर गैस है, ये तो एक मांग लो एक डेंजरस डेंजरस चीज़ है। डेंजरस मतलब इसलिए कि ये गैस इतनी ज्वलनशील है, पोलेस्टर ऑयल चलता है, पोलेस्टर ऑयल मतलब कि लगा लो कि थिनर चल रहा है इसके अंदर। तो इसको आप जब भी गैस चार्जिंग करना है तो 410 को वैक्यूम तो करना ही करना है। तो जो 32 नंबर गैस है इसको वैक्यूम जरूर करना है, ज़बरदस्त करना है, फ्लैशिंग करनी है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के बाद इसको फ्लैश करना है। तो फ्लैश करने के बाद इसको वैक्यूम, एक अच्छी मशीन है, कोई अपना अपना कंप्रेशर ना ले लें लोकल, क्योंकि इससे जो कंप्रेशर पंपिंग होती है वो कम लेता है, जिससे आपको टाइम भी लगता है, 1-1.5-2-3 घंटे लग जाते हैं प्रॉपर वैक्यूम होने के लिए। तो 22 नंबर तो नॉर्मल बिना वैक्यूम हल्का सा 15-20 मिनट में वैक्यूम भी करते थे, हम इसको वैक्यूम तोड़ देते थे, 22 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होती थी, इसमें मिनरल ऑयल चलता था, मगर 32 नंबर में पोलेस्टर ऑयल चलता है। ये इतना रिस्की है, ये ऐसा लग रहा है कि बम की तरह काम करता है, क्योंकि डैकिंग का एसी 32 नंबर की एसी ज़्यादा फट रहे हैं, जिसमें हमारे जो इंजीनियर्स आते हैं वो बिना चेक करते हुए, बिना वैक्यूम करते हुए इसे मशीन में 32 नंबर पेल देते हैं, नाइट्रोजन का फ्लैशिंग करके इसको 32 नंबर पेल देते हैं, और मशीन में कोई ऐसी हादसा आ जाता है, नाइट्रोजन आपको पता है आग जल्दी पकड़ता है, और ऊपर से आपने 32 नंबर की गैस इसे चला दी है, तो ये चलो इसमें आपने घर में एक टाइम बम फिट कर दिया है। ये कभी भी 10 मिनट, आधा घंटा, 24 घंटे, 2 घंटे या 2 दिन बाद ऐसा धमाका भी हो सकता है, चलने को चल जाएगा मगर ऐसा धमाका भी हो सकता है जिससे पूरे घर की परखचे उड़ जाएंगे, अगर बचा कुछ भी उसके सामने आएगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, आप जो भी इस 410 और 32 नंबर, 600 नंबर, 290 नंबर, इसमें आप कभी भी कोई रिस्क मत लें, कोई अल्टरनेट गैस मत डालें, क्योंकि ये सब इसमें पॉलिस्टर ऑयल चलता है, पॉलिस्टर ऑयल्स का मतलब है इसमें एक केमिकल चल रहा है जो आग पकड़ सकता है। 410, 32 नंबर, 600 नंबर, 290 नंबर, क्योंकि मार्केट में मिनरल जो हमारी ये पॉलिस्टर ऑयल है ये ओजोन परत को डैमेज नहीं करती है, ये नीचे ही ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए हमारे देश में 410 की मशीनें और 32 नंबर की मशीनें आ रही हैं। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा था क्योंकि मैंने एक ग्रुप बनाया था, अदरवाइज़
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे भी आप किसी इंजीनियर के घर पे जाते हैं, कस्टमर के घर में जाते हैं, तो इंजीनियर को कंफ्यूजिंग होती है हर ब्रांड के एसी के लिए, तो भी मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ था अपने चैनल में, जिससे आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। क्योंकि मेरे ग्रुप में मैंने ऑल ऑफ इंडिया के, हर इंडिया के कोने कोने से मेरे ग्रुप में मेंबर जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बंदे की गाइड नहीं करता जो उसमें एक अफवाह फैलाएं, मगर जो जो ग्रुप है ये एक बस ये टेक्निकल ग्रुप है, जिसमें हर आदमी टेक्निकल बेसिक में ही बात करता है। तो मैं, अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है तो प्लीज़, मैंने अपना नंबर आपको दे रखा है, आप इसमें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जैसा भी करके मैं आपको ग्रुप पे जोड़ दूंगा। प्लीज़, फ़ोन बहुत आते हैं मेरे को जो मैं उठा नहीं पाता, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। क्योंकि दिन में 400-500 कॉल आते हैं, तो वो आते हैं जहाँ मैं जॉब करता हूँ, उनके फ़ोन भी अटेंड करने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है, इतने फ़ोन बज रहे होते हैं। क्योंकि मैंने अपना पर्सनल नंबर आपको दिया हुआ है, क्योंकि मैं एक फ़ोन के ऊपर, मेरे पास एक ही फ़ोन है मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें दो सिमें चलती हैं, एक अपनी फैमिली के लिए बनाई थी, फैमिली से बात होती थी, एक आप सबसे, और जो मैंने अपनी कंपनी में नंबर दिया हुआ था। तो ये कंपनी से भी इतनी कॉल आती हैं, आपसे भी बात करता रहता हूँ, कंपनी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि मेरे फ़ोन हमेशा बिजी जमे जाता है। प्लीज़, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मगर आपको मेरे से बात करने से पहले, अगर आप मेरे ग्रुप में ही, अगर मेरे इंजीनियर से, अगर इंजीनियर से आपको पूरी सोल्यूशन मिल जाएगी, तो आप मेरे से बात करने का आपको, मैं कहता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि टेक्नीशियन बहुत मास्टर बैठे हुए हैं मेरे ग्रुप में, ये सपोर्ट करते हैं हर इंजीनियर की। तो मैं आप आज ये जो वीडियो बना रहा था, ये वीडियो मेरी जो गैस के लिए जो 410 स्टार्ट हो गई है, 32 नंबर है, इसके ऊपर था। क्योंकि पीछे अभी थोड़े ग्रुप में मेरे एक मैसेज आया था कि सर, मैंने 600 नंबर गैस की एक मशीन थी जिसमें R134 प्रेशर स्टैंड कर दी है, तो डाल दी है। मगर ये भाइयों, मैं आपके दिल से भी बात करता हूँ, आप दिल से भी हाथ रख के बात कर लें कि ये एसी मैं लगा लो, कि एसी या फ्रिज कुछ दिन चल जाएगा, लगा लो कि साल चल जाए, 2 साल चल जाएगा, अगर इसके अंदर कोई ऐसा कप टर्मिनल शॉर्ट हो जाए, स्टार्टिंग शॉर्ट हो जाए, कॉमन शॉर्ट हो जाए, तो आपने इस पे बम फिट किया हुआ है, ये इतनी तेज आग पकड़ लेगी ना, तो कंप्रेशर फट भी सकता है। तो आज मैं तो आपको पहले ही बताता हूँ, एलपीजी भी डल के भी लोग कितने, लगा लो कि इतने बेवकूफ़ बंदे थे जो 10-10 महीने के इंजीनियर बन के लोगों के घर में गैस डाल रहे थे। वो एलपीजी की गैस भी डाल के आप कूलिंग करवा सकते हैं, मगर इतनी रिस्की गैस है एलपीजी, वो भी डालते थे। और ऐसा एक हादसा हुआ था हमारे नजफगढ़ में, तो पूरे घर के 10 मेंबर ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था। एलपीजी कस्टमर ने, लड़के ने डाल दी, कूलिंग आती बैग से उसने स्टैंड कर दिया था, मगर इतना तगड़ा हादसा हो गया। तो प्लीज़, कोई भी ऐसी गैस के अंदर कोई भी अल्टरनेट गैस मत डालो। कोई भी, अगर कोई चैनल वाला आपको कहता है ये काम करती है, तो प्लीज़ मुझसे उस चैनल का नाम नंबर बता दो। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे टीम के जो मेन इंचार्ज है, वो कंपनी के इंचार्ज है, जो ट्रेनर है, उनके पास जाके उनसे एक पूरी डिटेल लूँगा, आपके सामने ग्रुप में डालूँगा, अपने बोरी डालूंगा, जहाँ है कि गोदरेज के ट्रेनर लेके जाऊंगा, एलजी के ट्रेनर लेके जाऊंगा। क्योंकि मेरे सब चैनल में मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं जो कंपनी में काम को, मैं जिस ऑफ कहते आईटी में काम पड़ता था, क्योंकि वो सारे इंजीनियर फैल गए हैं, सब ट्रेनर बन चुके हैं हर कंपनी के अंदर, वो पूरे गाइड करते हैं मेरे को। तो मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, मैं इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी के पीछे हाथ धो के पड़ गया था, क्योंकि तो मैं उनके पास जा जा के मिन्नते कर करके, उनके खिलाफ पिला के, उनसे इन्वेंटर की टेक्नोलॉजी चुला रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था। क्योंकि इन्वेंटर टेक्नोलॉजी जो आ रही है, ये कोई नहीं बताता है, ये बस थोड़े से पॉइंट बता दिए, बस आदमी इससे खुश हो जाता था, मगर मेन मकसद था उसका कि ये काम कैसे करता है, इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट पीसीपी। मगर विदाउट पीसीपी तो इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें
वेव चलते हैं, पावर सप्लाई चलती है, वो थोड़ी डीसी कमेंट कम करते हैं, तो मैं उसके कुछ जुगाड़ देखा था, हर कंपनी के नए नए जुगाड़ थे। कंप्रेसर आप अदरवाइज पीसी डैमेज होती है तो आप डायरेक्ट कैसे जैसे पम्प डाउन पे गैस स्टार्ट कर लेते, वो थोड़े से मेरी थोड़ी सी हर कंपनी की डाइकिन हिताची एलजी की तो मुझे पता लगी है, पैनासोनिक की भी पता लग गई है, मेन थोड़े मिस्टबुशी के जो कैरियर के जो एसी आए इन्वर्टर के उसके ऊपर पेज फंसा हुआ है, बस उसके मैं पेज एक बार मेरा उसका झाका खुल जाए तो भाइयों मैं ऐसी ऐसी वीडियो डालूँगा जो आपको बड़ी सपोर्ट करेगी पूरे चैनल में। मगर मैं आपसे यही कहते हो कहना चाहता हूँ, प्लीज़ कभी भी जो गैस चल रही है उसके अंदर वही गैस डालें, उसके ऊपर आप कोई भी ऐसी गैस मत डालें जो डेंजरस हो सकती है, गैस चार्जिंग करते हुए कुछ भी हो सकता है प्लीज़। अद और आपको ध्यान देना है 410 और 35 नंबर 290 नंबर इसमें पॉलिस्टर ऑयल चलता है, सिंथेटिक ऑयल है इसमें। 410 में तो आप टॉप अप कर देंगे मगर टॉप अप भी आप ध्यान से करना है, टॉप अप भी आपको पता है क्योंकि उसमें 32 125 से वो 410 बनी हुई है, कौन सी गैस अंदर चली जाती है, मगर ग्रिल टेम्परेचर नहीं रहता है, आपको दिल से कहता है कि हाँ भी हो गया गैस चल गई चलो, मगर दिल से आप बता दीजिए गैस कितना बैग बता रहा है, मॉइस्चर आने ज़्यादा चल स्टार्ट हो जाता है, मशीन की क्वालिटी तो जो कूलिंग है वो कम होती है, मगर क्या करें कंपनी में इतना प्रेशर होता है कि कॉलेज जल्दी करो करो करो, मगर आपको जब भी 410 की आपको लीकेज मिलती है बैक डाउन मिलता है तो आप पूरा लीकेज चेक करेंगे। मेन लीकेज चेक करने से पहले आपने सारी अगर लीकेज चेक करनी है 410 से ही प्रेशर जो पड़ा हुआ है उससे ये चेक कर लें, अगर आपको लीकेज मिल जाए बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं मिलती पूरी गैस निकाल देनी है, उसके ऊपर नाइट्रोजन नहीं लगा डालनी, पहले बता रहा हूँ बीच में ऐड नहीं करनी। पीछे एक इंजीनियर का मुझे कॉल आया था, उसने नाइट्रोजन के कहते हैं एक 410 के अंदर नाइट्रोजन भर दी थी, और उसके वो कह रहा था कि हमारे उस्ताद ने जो हम बॉम्बे से कोई बंदा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता और ना उसकी कंपनी का नाम लेना चाहता हूँ, उसने बोला था कि मेरे बॉस ने मुझे ज़बरदस्ती बोला था इसके अंदर ऐड कर दो, मगर उसने मशीन के अंदर बम फिट कर दिया था, अदर हल्का सा सर्किट होता तो ऐसा ब्लास्ट होता ना पूरा फ्लोर पूरा फ्लोर हिल जाता। तो प्लीज़ पूरी गैस निकाल के इसमें नाइट्रोजन प्रेशर स्टैंड करना है, तो आपको अगर नाइट्रोजन से लीकेज मिल जाती है नाइट्रोजन पूरी निकाल के सोल्डरिंग करनी है, सोल्डरिंग भी आपने दिखा लीजिए उसका, अगर आपने पूरी नाइट्रोजन निकाल दी है 5 मिनट 10 मिनट उसमें कोई सोल्डरिंग करनी, क्योंकि चाहे कहते हैं जो एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है हमारा वो गैस धीरे धीरे छोड़ता है, तो पूरी नाइट्रोजन निकल जाए तभी इसमें आपको टांका लगाना है। टांका लगाने के बाद जब 410 का पाइप मोटा होता है उसको काफ़ी टाइम लगता है ठंडा होने के लिए, आप इसको ठंडा कर लें, तो अगर आपको डाउटनेस हो गया कि इसमें लीकेज नहीं है मगर आप ध्यान से देख लेंगे आप अच्छे मैकेनिक हैं तो आप इसमें जब टांका लगाएंगे तो आप इसको लीकेज आपको इतना है कि लीकेज इस टांका लीक नहीं करेगा, तो अदरवाइज़ हो सकता है तो 10 मिनट के बाद जब पाइप पूरा ठंडा है फिर भी इसमें नाइट्रोजन डालें, तो अगर नाइट्रोजन डालते हैं तो ध्यान से डालना है कि पाइप जिसमें आपने टांका लगाया वो ठंडा हो जाए, पूरी मशीनरी ठंडी हो जाए जहाँ पर टांका लगाया, क्योंकि टांका नाइट्रोजन नहीं डाल सकते तो आप 410 की प्रेशर डाल सकते हैं, 410 थोड़ा सा प्रेशर डाल के देख लें लीकेज देख लें, नाइट्रोजन थोड़ी सी मैं 410 और नाइट्रोजन के तरह थोड़ा सा है थोड़ा रिस्की है, मैं नाइट्रोजन से काफ़ी ब्लास्ट होते हैं, तो मेन यही था कि पूरी मशीनरी की गैस निकाल के सोल्डरिंग, अगर 410 से लीकेज मिलती है तो 410 से लीकेज मिलती है तो आप पूरी गैस निकाल के वो टॉयलेट टांकर लगा दें और प्रॉपर वैक्यूम करें, तो प्लीज़ इसमें कोई ऐसी अल्टरनेट गैस नहीं डालनी है कि कोई मशीन ऐसा मशीन क्या कोई आदमी या कोई हमारा क्लाइंट या कस्टमर हादसे के अंदर शिकार ना हो जाए, बस
इतना आपने ध्यान देना है। आज जो वीडियो बना था मैं इसी बेसिक में बना रहा था कि कुछ आदमी थोड़ा सा गाइड गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई कर रहा था कि छह गैस मिलती नहीं है तो वो डाल देते हैं, चल रही है, मगर ये नहीं पता कि कब भी कोई हादसा हो सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ, जो पहली गैस चलती थी उसमें मिनरल ऑयल चलता था जो ज्वलनशील नहीं थी। जो अब जो गैस आ रही है 410, बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये रिस्की है। आपको हमेशा जब भी इसकी गैस चार्जिंग करनी है, मेन मैं कह रहा हूँ, न्यू टेक्नीशियन इसको हाथ मत लगाएं। और दूसरी बात, अगर गैस चार्जिंग कर रहे हैं, अगर कोई बीड़ी पान कर रहा है या माचिस से काम कर रहा है या एलपीजी से काम कर रहा है या कहीं आपके टांके लग रहे हैं, भाइयों पीछे हटा देना उसको या काम कल के लिए छोड़ देना, मगर गैस चार्जिंग मत करना। ये आपसे, क्योंकि मुझे सेफ्टी टिप्स आपको मैं देता रहूँगा, हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा। प्लीज़ अपनी सेफ्टी करना, बस यही मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने आज जो मेरी वीडियो थी, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप बोर भी हो रहे होंगे, मगर मैं ये चीज़ें जनरली हैं जो हमें जो ट्रेनिंग मिली थी, ये पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग मिली थी। नाइट्रोजन हमारे को जो मेन 410-32 के नाम पर जो गैस थी इसमें कैसे थी, मैं तो आपके लिए आधा घंटा या डेढ़ एक घंटा ले रहा हूँ, मगर हमारा तो पूरा एक हफ्ता लिया था उन्होंने पूरी ट्रेनिंग। तो उन्होंने हमसे पूरी एक शपथ लगवा ली थी कि आप किसी घर में जाएंगे तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई हादसा हो जाए या कस्टमर के साथ में कोई हादसा हो जाए। तो प्लीज़ आप भी मैं चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो मैं अपनी कंपनी की जो अगर कोई बेसिक बात है वो पूरी आपके सामने लेके आऊँगा, और मैं आपको इन्वेटर की पूरी डिटेल भी बताऊँगा। बस मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि हर आदमी को नाइट्रोजन हमारा जो गैस है और मिनरल गैस है और सिंथेटिक गैस का पता लग जाए कि कौन सी गैस कैसे इसकी गैस चार्जिंग करनी है। तो बस अपना ध्यान देना है, और न्यू टेक्नीशियन से हाथ जोड़ के बेनती है, प्लीज़ आप अपने मास्टर से या मेन जो इंजीनियर है उनसे एडवाइस ले लें। तो एडवाइस अगर आपका जो मेन आदमी है वो आपको हेल्प नहीं करता, प्लीज़ आप मेरे ग्रुप के अंदर जुड़ जाएं। आपको मैंने नंबर दिया हुआ था, वो मेरे ग्रुप के मैसेज के थ्रू आप मैसेज करना, मुझे कॉल मत करना। मैसेज के थ्रू कॉल करेंगे तो मैं, अदरवाइज कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत कॉल आती है तो मैं काफ़ी लोगों को रिप्लाई करता करता थक जाता हूँ। तो आज मेरे को वीडियो बनाया था क्योंकि आज मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेबी घूमने गई हुई थी, क्योंकि मैं 3-4 महीने से उनके साथ लगा हुआ था, क्योंकि यार छोटा बच्चा होता रोता ज़्यादा है, उनके साथ बिजी था, उनको टाइम दे रहा था। तो भाइयों अब आपसे जुड़ा रहूँगा, क्योंकि अब काम स्टार्ट हो गया है और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनकी भी चीज़ें भी बेसिक आपकी चीज़ें बताता रहूँगा और पूरी आपकी सपोर्ट करूँगा। और मेरी भी आप सपोर्ट करें मेरे चैनल के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइबर जो 7 फ्रेंड्स हैं उनको भी कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ग्रोथ बढ़ाएं, जिससे मेरे चैनल को बच जाएगा। जब मेरे चैनल मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी तो चैनल सोचना कि मेरे चैनल को परमिशन पूरी मिल गई है। तो बस मैं आपसे पूरा जुड़ा रहूँगा, कभी भी कह सकता हूँ, मेरे चैनल को बंद भी कर सकते हैं, ले मेरी लास्ट वीडियो भी हो सकती है, क्या बता, मैं 50, 100, 200 को वीडियो और भेजूँगा इस चैनल के बाद। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ बस जुड़े रहें, अगर मेरा चैनल कुछ भी होता है तो आप मेरे ग्रुप में जुड़े रहें, अगर बंद भी होता है मैं एक नया चैनल बना लूँगा, मैं आप पूरी लाइव आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कुछ सेफ्टी टिप्स आपको देता रहूँगा, क्योंकि इस टाइम जो मशीनरी आ रही हैं काफ़ी रिस्की आ रही हैं, और गैसें आ रही हैं इतनी रिस्की आ रही हैं, कॉपी चीज़ें छोड़ दो, दुकानों से लेना छोड़ दो, मेन आप एक ऐसे दुकान ढूंढ लें जो आमदनी कम करता हो, मैं कि लगा लो कि एकदम मन का सच्चा आदमी हो, क्योंकि चोर चकारी दुकानों में होने लग गई है,
डुप्लीकेट के गैस बेचे जा रहे हैं, क्योंकि हम फंस जाते हैं मगर हमें ये नहीं पता कैसी गैस आ रही है। प्लीज़ भाइयों ध्यान रखना इसका, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे जुड़ा रहूँगा। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार, अगले बार फिर मिलेंगे। मैं AP सिंह, मास्टर कुल सपोर्ट से।